नमस्कार, मैं वैभव चंद्र कन्ने, एक्टिंग आर्टिस्ट फ्रॉम द मुंबई, राइट नाउ टीचिंग एट द संसरा एकेडमी ऑफ आर्ट। सेल्फ पोर्ट्रेट जो सब्जेक्ट है, पिछले 10 सालों से जब मैं प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट जब काम कर रहा था, तो मुझे वो सेल्फ पोर्ट्रेट बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट लगने लगा है, क्योंकि वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे करते वक्त आपको किसी भी फिजिकल डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं होती है अदर देन योर सेल्फ। सो व्हेन यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ पोर्ट्रेट, आपके जो शारीरिक और वैचारिक जो बदलाव हो रहे हैं, आपको उसे रूबरू होने का, उसे डिफरेंट एक्सपीरियंस के थ्रू जो आपको मिल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्निकली, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस जो आपको अचीव हो रहा है, आप लोगों को देखते हो, उसे एडमायर करते हो, उनसे इंस्पायर होते हो, इन सारी चीज़ों को आपको एक्सपेरिमेंट करने का, अपने आप के ऊपर इन सारी चीज़ों के यूज़ करने का एक अच्छा मौका मिलता है। और दूसरी तरीके से क्या होता है कि जब यूजुअली रिप्रेजेंटेटिव आर्ट में जब हम लोग पोर्ट्रेचर स्टडी करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को ये डिफ़िकल्टी आती रहती है कि कई बार मॉडल अवेलेबल नहीं होता, कई बार सिचुएशन अवेलेबल नहीं होती। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हमेशा उस आइडियलाइज सिचुएशन के भरोसे नहीं बैठता। मुझे हमेशा लगता है कि आप सिचुएशन अपने हिसाब से डेवलप कर सकते हो। तो सेल्फ पोर्ट्रेट ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसके करते हो आपको किसी भी तरीके की आइडियलाइज सिचुएशन से गुजरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर इफ़ यू पुश योरसेल्फ टू ड्रॉ योरसेल्फ टू प्रैक्टिस फ्रॉम योरसेल्फ, तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर मॉडल अच्छा रहेगा या फिर कोई तो मेरे लिए मॉडल बैठेगा, लाइट सिचुएशन में अच्छी रहेगी, देन ओनली आई कैन प्रैक्टिस ऑफ माई पोर्ट्रेचर स्टडी। बल्कि जब मैं पढ़ रहा था कॉलेजेस में, तभी से अभी तक मैं जिस सिनारियो में मैंने पोर्ट्रेट किए वो कोई आइडियलिस सिचुएशन है ही नहीं। मैं रैंडमली, कई बार क्या होता है आप किसी से इंस्पायर हो जाते हो और आपको उस तरीके का पोर्ट्रेट करना अच्छा लगता है। तो मैंने कई बार आइडियलाइज सिचुएशन में काम किया, कई अनआइडियलाइज सिचुएशन में काम किया। तो आइडियली वो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास सिचुएशन आइडियलाइज नहीं है, फिर भी यू कैन वर्क फ्रॉम योर लाइफ। और सेल्फ पोर्ट्रेट करते वक्त ये सारी चीज़ें आप सीखते रहते, क्योंकि आप अपने लिए बैठते। कई बार क्या होता है कि मॉडल जो हम लोग रिप्रेजेंटेटिव आर्ट में जब फ्रॉम मॉडल से स्टडी करते हैं, तो मॉडल की एक मानसिकता होती है, उसके ऊपर डिपेंडेंसीज बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे आप अपने जब सेल्फ पोर्ट्रेट करते हो, आप अपने लिए बैठते हो, तो ऑब्वियसली आपकी जो कॉन्शियस है, जो कन्वर्जेशन है, वो बहुत ईजी हो जाता है और अच्छे से स्टडी कर पाते हैं। सेल्फ पोर्ट्रेट करते वक्त मैंने बहुत अलग अलग आर्टिस्ट को रेफर किया था। मेरे सेल्फ पोर्ट्रेट करने के जो क्या कहते हैं कि जिनको मैंने एडमायर किया था, स्पेशली उसमें रेम्ब्रेंट है, डेविड लेफेल है, और भी बहुत नामचीत लोग हैं, लेकिन इन दोनों का बहुत इम्पैक्ट है मेरे सेल्फ पोर्ट्रेट के ओवरऑल जर्नी के ऊपर, क्योंकि इन लोगों ने बहुत लंबे समय के लिए अपने आप के ऊपर थ्रू द मटेरियलिस्टिक टू द सब्जेक्टिव वे में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। आई नो देर आर अदर आर्टिस्ट ऑल्सो, बट दिस टू आर्टिस्ट क्रिएट एन बिग इम्पैक्ट ऑन माई ओवरऑल आर्ट जर्नी। तो अभी भी मैं जब काम करता हूँ, तो ओल्ड मास्टर्स ने किस तरीके से इस सब्जेक्ट को देखा है, किस तरीके से समझने की कोशिश की, इन सारी चीज़ों को मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता हूँ। और मेरी जो पूरी तरीके से जो डेवलपमेंट हुई है, वो भी एक सेल्फ पोर्ट्रेट के कॉम्पिटिशन के ही थ्रू हुई है। तो थ्रू द हिना भट्ट के जो प्रोग्राम है, ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें रिक्रिएट हुई है, और ये सारी चीज़ें देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच हिना मैम के लिए कि इस तरीके से कॉम्पिटिशन अरेंज करिए। जिस तरीके से जब मैं कॉलेज लेवल पर था, तो मैं इसी तरीके के एक सेल्फ पोर्ट्रेट कॉम्पिटिशन के थ्रू मैंने अपने आप को डेवलप किया था, और आज उसी तरह के कॉम्पिटिशन वापस हो रहे। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर द एज अ प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट ऑल्सो एज अ स्टूडेंट ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच।
organizing such a good event.